नहीं चाहिए मुझे धोखे का रिश्ता, और जिस रिश्ते की नींव ही झूठ से पड़ी हो, चार दिन नहीं चलता वो रिश्ता। मम्मी तूने मजाक समझ रखा है शादी को? हानिया तेरी वोटी है, तुम माने या ना माने इस रिश्ते को निभाना ही पड़ेगा तुझे। हानिया राजी हो जाती है सरभ से शादी करने के लिए। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें हानिया और सरभ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हानिया और सरभ जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेहर को भाई धोखा दे। हानिया तूने मुझसे मेरा सरभ छीना, अब मैं तुझसे तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी। और ये सारी चीजें आसमा के सामने आ गई थी, सब लोगों के सामने आ गई थी। तो यहाँ पर आसमा और सारे घर वाले बोलते हैं कि अभी इज्जत बचाने के लिए अब तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। तो हानिया ना राजी हो जाती है शादी करने के लिए। वहीं हम देख रहे हैं कि हानिया और सरभ की सरभ। हाँ जी मम्मी। ओ सुन पुत्र, बड़ा सोना लग रहा है, अच्छा शामी जाके ना उसे ले आना हानिया को। घर में ना मुंह दिखाई की रस्म करनी है, मैंने सारी मोहल्ले वालियों को बुलाया। शादी हो रही है, वो लोग फेरे वगैरह ले रहे होते हैं गुरुद्वारे में, और इतने में मेहर आ जाती है। मेहर को तो भाई कर लिया था किडनैप, और उस चीज का खुलासा आज एपिसोड में हो ही गया कि किस तरीके से यहाँ पर शक्ति और सरभ की माँ मुन्नी ने मिलकर भाई मेहर को किडनैप कराया था। यहाँ पर उनके लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना इस घर में, मैं नहीं जाऊंगा उन्हें लेने। पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद मुन्नी की माँ ने कराया, लेकिन शक्ति भी इसके साथ मिल जाता है और यहाँ पर वो अपना प्लान पूरा कर लेती। और भाई एपिसोड में हमने देख ही लिया ना किस तरीके से यहाँ पर मुन्नी पूरी कहानी बता रही है, उसने क्या क्या प्लान करके यहाँ पर मेहर हानिया और सरभ की जिंदगी कर दी है बर्बाद, क्योंकि मेहर से लेना चाहती थी वो बदला, लेकिन यहाँ पर हानिया को उसने फंसा दिया। पहले तो भाई मेहर और सरभ एक दूसरे से प्यार करते थे और यहाँ पर लग रहा था कि भैया मेहर की शादी भी हो जाएगी, लेकिन मेहर ने इस तरह की बदतमीजी की थी ना मुन्नी के साथ कि अब उससे बदला लेना चाहती थी और यहाँ पर हानिया को फंसा देती है और हानिया की शादी हो जाती है। यहाँ पर शादी तो हो जाती है लेकिन भाई मेहर तो किडनैप हो गई, और बार बार ना सरभ को यही लग रहा है कि ये क्या हो गया और मेहर जी मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी। और यहाँ पर भी सुहागरात वगैरह की तैयारी चल रही है, बहुत सारी रस्में हो रही है, लेकिन सरभ कोई भी रस्म करने को तैयार नहीं है, वो सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। यहाँ पर सुहागरात में भी वो सब तोड़ देगा और हानिया को गुस्सा भी करेगा और हानिया को बोलेगा भी कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपको नहीं करनी चाहिए थी मेरे से शादी। वही हम देख रहे हैं कि भाई मेहर भी आ जाएगी छूट कर, और यहाँ पर मेहर लगाएगी हानिया पर इल्जाम कि इसने मुझे कराया है किडनैप।